मानव जीवन में पर्यटन का महत्व अत्यंत सामान्य है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता। विभिन्न जानकारियों के भंडार के साथ साथ पर्यटन मानव स्वभाव के कई कंगोरों को भी उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश VS ने सभी से पर्यटन विकास के लिए प्रयास करने की अपील की। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम नागपुर द्वारा जर्नलिस्ट क्लब में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय जस्टिस सिरपुरकर बोल रहे थे। सलाह डॉक्टर कुमकुम सिरपुरकर, पर्यटन विशेषज्ञ अजय पाटिल, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के प्रधान गुरमीत सिंह वीज, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेणु मौजूद रहे। सिरपुरकर ने कहा, पर्यटन मानव जीवन में नयापन लाता है। किसी नए भौगोलिक क्षेत्र को जानने से उसकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन के प्रति जागरूक रहना और ऐसी मानसिकता विकसित करना जरूरी है। और यह भी उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और निजी संगठनों को भी इस भावना से अपनी सेवाएं देनी चाहिए कि ग्राहक ही भगवान है। इस मौके पर उन्होंने देश विदेश के पर्यटन से जुड़ी अपनी यादें और मजेदार किस्से सुनाए। तेजिंदर सिंह ने राज्य सरकार की नई पर्यटन नीति से होटल सेक्टर को नई जान मिली है। इस सेक्टर में स्किल मैन पावर की जरूरत है और युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में सुनहरा मौका है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम नागपुर की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को और संगठनों के साथ साथ बोर्ड द्वारा आयोजित पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। परिचय प्रति बोर्डले ने किया, संचालन रेखा गया ने किया और धन्यवाद ज्ञापन वैशाली भंडारकर ने किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, 20 न्यूज नागपुर।